हेलो हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज सुचि पोरवाल। आज हम एमवे क्यून के अंदर सॉस बनाएंगे। तो ये है सॉसर पैन और ये है इसका लीड। सॉसर पैन के अंदर हम बॉईल कर सकते हैं और सॉस सूप सब बना सकते हैं हम लोग। हमने सॉस बनाने के लिए ये नमक लिया है, ये काला नमक लिया है, ये काली मिर्च, लाल मिर्च, शुगर, ये सोडियम बेंजोइट लिया है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये है टोमेटो लिया है और वाटर लिया है। तो आज हम ये कुकवेयर मल्टीप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर है, तो हम इसके अंदर आज सॉस बनाएंगे। तो हम पहले इसके अंदर टोमेटो डालेंगे, पहले गैस ऑन नहीं करेंगे, हम बाद में गैस ऑन करेंगे। जब हम नॉर्मल बर्तन में हम जब टोमेटो बॉईल करते हैं तो हमें टोमेटो डूबने तक का पानी लेना होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ा ही पानी लेंगे, इसमें हमारे टमाटर पक जाएंगे। अब हम गैस ऑन करेंगे, हमेशा गैस मीडियम और लो फ्लेम पे ही हम रखते हैं, तो अभी हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है और हम इसे बंद कर देंगे। नॉर्मल जब हम कुकर में टोमेटो कुक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे प्रेशराइज होकर सीटी लगती है, तो वो जो भी विटामिन मिनरल्स है वो उड़ जाते हैं, लेकिन हमारे कुकर की खास कुकवेयर की खासियत ये है कि जो भी विटामिन मिनरल्स है ये लीड के द्वारा लोक हो जाते हैं और इसको पकने में 2 से 3 मिनट लगेगा। अब हम इसमें विटामिन पा चुका है तो हम इसको एक बार हिलाएंगे। ये हमेशा इसका जो पानी है हमें इसी में ही डालना है क्योंकि हमारे टोमेटो स्टीम में पक रहे हैं। अब हम गैस लो फ्लेम पे कर देंगे, अब 1 मिनट के लिए और पकने देंगे, फिर गैस बंद कर देंगे। हमारे टोमेटो पक गए हैं और इस लीड को हम हमेशा ऐसे ही रखेंगे और गैस बंद कर देंगे। टोमेटो का छिलका उतरने लग गया तो पक गए, अब हम इसको इसमें निकालेंगे। और टोमेटो का छिलका उतारेंगे। हम टोमेटो का छिलका उतार देंगे ठंडा होने के बाद, और उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे और फिर छान लेंगे। तो मैं पहले इसका छिलका उतारती हूँ। हमने इसको पीस के और छान लिया टोमेटो को, अब हम इसके लिए सूप के लिए डालेंगे और अब गैस ऑन कर देंगे। मीडियम पे चढ़ाएंगे हम इसको, ओटने के लिए थोड़ी देर के लिए हम ढक देंगे 5 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारा इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे टोमेटो पक चुके हैं और ये गाढ़ा हो गया है सूप के लिए, इसलिए हम ऐसे ही रखना है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, हम इस पर नमक डालेंगे, ये अपने टेस्ट के अनुसार हम डाल सकते हैं। काला नमक, काली मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्च, और इसमें हम थोड़ा सा सोडियम बेंजोइट डालेंगे ताकि वो हमारा सॉस लॉन्ग टाइम चले। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम खाली कर लेंगे। और अब हम शुगर ऐड करेंगे इसमें, पहले गरम में हमें शुगर ऐड नहीं करना है, गैस पे नीचे उतार के हमें शुगर ऐड करना है। और अब हम इसे पका हिलाएंगे।
ये हमारा सॉस रेडी है। ठंडा होने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। हम इसे इडली के साथ, खमन के साथ खा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।